कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़े शहर होने के साथ साथ यहाँ पर रोज़ाना बहुत सी नई चीज़ें मुतारिफ कराई जाती हैं। जैसा कि आज ही मुझे पता लगा कि एक चीज़ मेरे मतलब के मुतारिफ कराई गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे एक बार एक्सपीरियंस किया जाए और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। चूँकि कराची रोशनियों का शहर है, तो चले रास्ते में थोड़ी कराची की रोशनियाँ भी देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग ये तो सोच रहे होंगे कि आज मेरे बैकग्राउंड में ट्रेन क्यों नहीं है। तो मेरे बैकग्राउंड में ट्रेन नहीं है, इसकी वजह ये है कि आज मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में आया हूँ जहाँ पर खाना वेटर्स के बजाय ट्रेन्स पर सर्व किया जाता है, और इस रेस्टोरेंट का कल ही इनॉग्रेशन हुआ। अरे नहीं भाई, इनॉग्रेशन नहीं, इनॉग्रेशन ट्रेन्स का होता है। यहाँ पर बात रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग होती है। मतलब 3 जनवरी 2020 को इनॉग्रेशन हुआ है और आज 4 जनवरी 2020 है, और मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ का फूड। यह है रेस्टोरेंट का फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ एक ही ट्रेन रखी हुई है फूड सर्व करने के लिए, और टेबल्स भी कम हैं। और ये है नीचे जाने का रास्ता, और अब हम जाएंगे नीचे की तरफ। यह है वो ट्रेन जिसके ज़रिए खाना कस्टमर्स तक सर्व किया जाता है। वैसे तो ये ओल्ड स्टीम इंजन है, और इसके पीछे कुछ फ्रेट कोचेज हैं जिसके ऊपर रख कर खाना लोगों तक सर्व किया जाता है। इस ट्रेन में खाना लोड किया जा रहा है एक तरह से, और ये ट्रेन डिपार्ट कर रही है। खाना आ रहा है जो हमने ऑर्डर किया है। ये खाना देकर ट्रेन जा रही है हमारे वापस अपने किचन में, मतलब अपने लोगो शेड में।
ट्रैक स्विचिंग की बात की जाए तो ट्रैक स्विचिंग बिल्कुल ओरिजिनल रेलवे की तरह की गई है। जिस तरह ओरिजिनल ट्रेन में ट्रैक चेंज होता है, वैसे ही यहाँ पर ट्रैक चेंज किया गया है। ये इस रेस्टोरेंट पर हर टेबल पर ट्रैक्स लगाए गए हैं जहाँ से कस्टमर तक खाना पहुँचाया जा सके, और इसी के साथ साथ ये पूरा एक ट्रैक चल रहा है और बीच बीच में जंक्शंस लगाए गए हैं ताकि हर टेबल पर खाना सर्व किया जा सके। इसके साथ ही ये हमारा ट्रैक जा रहा है इनके किचन तक, और सामने ही एक ट्रेन खड़ी हुई है जिसके ऊपर खाना रखकर हम आगे की तरफ सर्व किया जाता है। ये रही ट्रेन। और ये रहा हमारा 5000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव। मुझे लिटरली यहाँ पर बहुत मज़ा आया और मैंने सही से इंजॉय किया, क्योंकि मैं एक ट्रेन लवर हूँ और जहाँ ट्रेन होती है वहाँ इंजॉय तो खुद ही हो जाता है। और अगर इसके अलावा रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट की सर्विस को मैं नंबर दूंगा 10 out of 10, क्वालिटी को नंबर दूंगा 10 out of 10, क्वान्टिटी को नंबर दूंगा 10 out of 8, और सबसे मेन चीज़ टेस्ट, और टेस्ट के नंबर होंगे 10 out of 6, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल एवरेज खाना था, कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था जिस हिसाब से इनके प्राइस हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।